हेल्थ और एजुकेशन हमारा बुनियादी समस्या है। जिस देश का, जिस प्रदेश का हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा, एजुकेशन ठीक नहीं रहेगा, तो विकास की बात करना बेईमानी है। तो जब चुनाव में जाएंगे तो फिर इनसे लोगों ने सवाल करेंगे कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आए थे, हमने आपसे सारी समस्याएं को बताए थे, आपने इस पर क्या पहल किया। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर हर एक पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार में लग गई है। कोई वर्चुअल कर रहा है तो कोई जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ उनके जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हों, जो भी उनके संगठन हैं, वो भी अपने स्तर से लग गई है। चूँकि इस तरफ वर्चुअल हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों तक पहुँचने का भी काम पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त बता दें कि हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ हमारी मुलाकात हुई कामेश्वर प्रसाद यादव से, जो कि काफ़ी लंबे समय से एलजीपी से जुड़े हुए हैं। 2005-10 में चुनाव भी लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार भी इनका दावा है कि 20 में भी पूरी मजबूती के साथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले से बहुत बहुत स्वागत हो आपका। आपका भी। चिराग पासवान की पार्टी में है, लगातार चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, क्या वजह रही होगी? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, ये नाराज नहीं है। ये सबसे पहले जो देश में या प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जो इन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम को लेकर के गांव में गए थे, जब गांव में गए तो इनको दुख दर्द पता चला। दिल्ली पटना में रहने में तो कोई दुख दर्द पता नहीं चलेगा, एसी में रहने में नहीं चलेगा, लेकिन जब गांव में गई है तो लोगों ने इनसे सवाल किया, लोगों ने इन्होंने उनके कष्ट को देखा, उनकी समस्या को देखा, तो वो अपना सवाल किए माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उनको फिर जाना है। अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, गाँव में, गरीब के यहाँ, किसान मजदूरों के बीच। तो जब चुनाव में जाएंगे तो फिर इनसे लोगों ने सवाल करेंगे कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आए थे, हमने आपसे सारी समस्याएं को बताए थे, आपने इस पर क्या पहल किया। उसको ध्यान में रखते हुए, एक अपना बिहारी होने के नाते जो उनका बिहार का फर्ज है, कर्तव्य है, उसको निभाते हुए वो मुख्यमंत्री जी को उन समस्याओं से अवगत कराते हैं। अब इसको मुख्यमंत्री जी या उनकी पार्टी किस रूप में लेती है वो तो उनका काम है, लेकिन हम लोग तो जनता की समस्या दिखा रहे हैं। अच्छा, बात अगर आपकी करें, आपके क्षेत्र की करें, तो आप इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ। यहाँ अभी विपक्ष की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, चाहे कोरोना काल हो, या रिंग रोड का मामला हो, या बस स्टैंड का मामला हो, या किसी भी तरह से लोगों के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। मैं कोरोना के डर से डरने वाला नहीं हूँ। जब नेतृत्व ही डर जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। मैंने बिहटा के लोगों को, बिहटा के लोगों के, मनेर के लोगों को, जो दाऊदपुर में हमारा पीएचसी बना था सबसे पहले कोरोना टेस्ट के लिए, वहाँ मैं जा करके अपने से लोगों का टेस्ट कराया हूँ, पॉजिटिव लोगों का। जो पॉजिटिव लोग हैं उनका मैं जाँच कराया हूँ। सोच लीजिए कितना बड़ा संकल्प होगा और कितना बड़ा हिम्मत है। अच्छा, रिंग रोड की बात करें तो आखिर सरकार की इस तरह से विरोध हो रहा है, आखिर क्यों? सरकार की ही जनता है, जनता की सरकार है, फिर भी इस तरीके से सरकार की? देखिए, विरोध तो करना ही पड़ेगा ना। विरोध तो किसी भी काम के लिए करना पड़ेगा। मान लेते हैं आज रिंग रोड मनेर से आ जाता तो कोइलवर वाले लोग कहते, या मान लेते हैं आज शेरपुर से जा रहा है तो हम मनेरवासी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी रिंग रोड जाए। शेरपुर को नौली जा रही है, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, वो भी मनेर का हिस्सा है, बिहटा का हिस्सा है, लेकिन इस रोड को मनेर उपेक्षित पड़ा हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, 30 वर्षों में इन लोगों ने नली गली छोड़ के 3 काम भी नहीं किया 30 सालों में। बहुत बड़ा अहम सवाल है कि इन लोगों ने नली गली छोड़ के ये 3 काम अपना बताएं कि मैंने किया है मनेर के लिए। ये लोग असक्षम है। जो बातें विधानसभा में होनी चाहिए वो बातें आज हम लोगों को सड़क पर करना पड़ रहा है। 2018 में ही हम लोगों को अखबार के माध्यम से मालूम हो गई थी कि रिंग रोड हम लोगों का कट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मने रहे थे सूफी संत के कार्यक्रम में, हमारे कुछ साथियों ने उनको
आवेदन भी दिया था, उन्होंने कहा था कि विचार करेंगे, लेकिन इस विचार के लिए जिनकी जिम्मेवारी है, जिसको मनेर नेतृत्व करता है, लीड करता है, जिनकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है कि उस पुल के लिए हम पहल करें, और जो काम आज हम लोगों को करना पड़ रहा है हम 2018 में ही करते, मुख्यमंत्री जी सरकार पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता, लेकिन अब तो ये स्टेशन से गाड़ी खुल गई है, अब हम लोग इसको वैकुम करना चाहते हैं, वैकुम करके हम चाहते हैं कि नहीं शेरपुर से भी जाए और मनेर होते बिहटा भी जाए। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है वो तो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तभी तो लगातार हमको जनता चुनकर भेज रही है। वो तो विधायक जी को खुदे पता होना चाहिए, या जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लोग हर दल से लड़ा है, हर दल से लड़ता है, और निर्दल भी लोग लड़ा है, और निर्दल भी लड़ना पड़ेगा, समय बलवान है। आपको अन्य दल से भी लड़े थे, आप अपना देख लीजिए कि आपने क्या किया था, आपको कितना वोट आया था। 2005 के चुनाव में जब लोगों का टिकट कटा तो इधर उधर भाग करके जैसे तैसे चुनाव लड़े, LJP से भी चुनाव लड़े। अब जब विधायक की बात कर रहे हैं तो LJP से भी चुनाव लड़े हैं परमादरणीय विधायक जी, उनको मात 18 कहिए या 20 कहिए, उनके वर्कर कहते हैं कि 20 आया है, 22 20 बात मान लीजिए, लेकिन उस समय बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि सच्चिदानंद यादव जी थे और निराला जी थे, इन लोगों में फाइट हुई, एक मनेर का लोकप्रिय लीडर तीसरे नंबर पे चला जाता है। ये दुख का कारण होगा कि नहीं होगा? दुख का कारण होगा ना। कहते हैं विधायक जी कि हम काम करते हैं इसलिए हम चुनाव जीत जाते हैं, नहीं, ये दलगत आधार पर चुनाव जीत जा रहे हैं। राजद, ये राजद जो है यहाँ राजद गढ़ का गढ़ है ये, अगर राजद के लोग यहाँ से हारते हैं तो शर्मनाक है, यहाँ जादवों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोग जीत जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ की विकास की, लॉकडाउन रहा, लोगों का आम जीवन जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया, ऐसे में विधायक जी कितने किए जनता के लिए, और यहाँ के और लोगों, आपकी बात करें तो आप कितने के लिए, कितने हद तक आप उन सभी लोगों के साथ खड़े रहे? देखिए, जो लॉकडाउन 22 मार्च से लगी उसमें कहीं कोई मनेर का प्रतिनिधि नज़र नहीं आया। अगर हम पर विश्वास नहीं है तो आप जनता में जाके पूछ लीजिए, मैंने कोई नज़र नहीं आया। लेकिन 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगी, मैं अपने मुंह क्या बड़ाई करूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझ पे बहुत सा दिक्कतें भी आई प्रशासनिक रूप से, हम एफ आई आर भी झेले हैं, और जो हमसे बन पड़ा है हम गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए अपना तन मन धन से हमने सेवा किया है और करते रहेंगे। आग लग्गी का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, ये मेरे खून में है, सेवा मेरा शौक है, ये मेरे खून में है। मैं चुनाव लड़ता या नहीं लड़ता ये भविष्य की बात है, लेकिन मेरे खून में है कि अगर कोई परेशान है सामने वाला, उसकी मैं मदद निश्चित रूप से करूँगा। अच्छा, खाने, देखिए सबसे बड़ा समस्या एक गरीब परिवार, चाहे हर परिवार को, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोगों का बिजनेस हो, अपना काम काज ठप पड़ा, आपने उन लोगों के लिए क्या किया, कुछ ऐसा बताएंगे जो, ऐसे तो मोटा मोटी बता दिया कि आपने ये कुछ किया, लेकिन क्या कुछ उन लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराया, ये और भी कुछ? अभी हमने कोरोना काल में लोगों को, हम अपना एक फूड पैकेट बनवाते थे जिसमें चावल, आटा, दाल, कड़ुआ तेल, बिस्किट, नमक, इन सब पूरे चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने एक फूड पैकेट पैक करवाया। और जो जो लोग हमको फ़ोन करते थे, चाहे ब्यापुर हो, शेरपुर हो, चितनाबा हो, खासपुर हो, बपूरा हो, रायडी हो, देकुली हो, मैंने जहाँ हमारी लोगों ने ज़रूरत समझा, लोगों ने कहा, वहाँ जाके मैं उन लोगों को फूड सामग्री मुहैया कराया। अच्छा, अगर बात करें, देखिए चुनाव से पहले हर कोई बहुत कुछ काम, ऐसा जनता कहती है कि चुनाव से पहले प्रतिनिधि आते हैं, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं वो आते हैं, काम तो करते हैं लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी जनता को आपसे, और ख़ासकर युवाओं को, क्योंकि युवा बहुत मैटर करता है? देखिए, युवा तो मनेर में काफ़ी उपेक्षित पड़ा है। हाँ। सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम भी भागी है। मनेर के लिए, बच्चे के लिए जो एक ग्राउंड नहीं है, जो ग्राउंड वो लोग अपना दौड़ते धूपते, कम से कम पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी ये
कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। मनेर में मैं तो कहा कि ये तीन काम बतावे लोग, नली गली छोड़ के 30 साल में आपने एक डिग्री कॉलेज लगाया, आपने ITI लगाया, IIT की बात तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा सिंपल चीज़ है ITI जो दिग्गम है उसको ही लोग मनेर में नहीं बना पाया, मनेर हाई स्कूल की दुर्दशा हो रही है। तो युवाओं के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अब लगता है कि युवा वर्ग हम पे भरोसा कर रहा है। अभी रिंग रोड में भी मैंने उन लोगों का साथ दिया, तन मन धन से साथ देने का वचन दिया हूँ, और उन लोगों को भी भरोसा हमारे प्रति आस्था बढ़ रहा है। अभी अभी हाल फिलहाल में मनेर के लोग जब कोरोना पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव, तब मैं सब लोगों के घर पे जो एरिया है वहाँ हमने गिलोय भेजने का काम किया है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी आपूर्ति मेरी कोशिश होती है कि मैं करूँ, घर घर गिलोय भेजा। अच्छा, आरोप तो लगते रहता है विपक्ष से, लेकिन कोरोना काल में यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर किस कदर दिखे, क्या लगा कि हाँ सरकारी तंत्र काम? देखिए, मनेर ही नहीं पूरे बिहार में, मनेर ही नहीं पूरे बिहार में हेल्थ का, एजुकेशन का बुरा हाल है। हेल्थ कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो सिर्फ व्यवसाय बना लिए हैं, सेवा नाम का चीज़ खत्म हो चुका है। तो बिहार का बदहाल तो हालत पहले से था, और ये कोई सोचा नहीं था कि कोरोना काल आ जाएगा, कोरोना आपदा आ जाएगा, और जब आई है तो ये लोग से संभाल नहीं रहा है। लेकिन सरकार हम लोगों की है, कोशिश कर रही है, कोशिश अच्छा है, लेकिन आपके पास साधने नहीं होगा तो आप कोशिश करके भी नहीं कुछ कर पाइएगा, यही है, कोशिश कर रहा है। सर, लेकिन जो सवाल उठ रहा है तो जायज़ है ना, विपक्ष जो सवाल उठा रही है सरकार पर कोरोना और बाढ़ को लेकर, तो वो तो जायज़ लग रहा है। नहीं नहीं, विपक्ष के जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो भी तो 15 साल सरकार में रहे हैं ना। हम दोनों से कहते हैं, हम एक को नहीं कहते, हमने पहले ही कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम उन विपक्ष से भी कहना चाहेंगे कि आपने भी 15 साल में कौन सा एक हॉस्पिटल पटना में बनवाया, आप बताइए ना, पटना में कोई हॉस्पिटल आपने बनवाया है तो आप आइए हमारे बीच में, सामने आइए, आपके चैनल पर आइए कि हाँ हमने मनेर में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया है या कहीं कुछ बनाया है। आप लोग वही ढाक के तीन पाक, आप लोग अपना ऐश मौज करने में रह गए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जनता टैक्स देती है, आप उसके टैक्स का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता के पैसे का आप टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्य संसाधनों में खर्च कर रहे हैं, जो बुनियादी संसाधन है हेल्थ और एजुकेशन, एजुकेशन को भी नहीं छोड़ सकते हम, हेल्थ और एजुकेशन हमारा बुनियादी समस्या है। जिस देश का, जिस प्रदेश का हेल्थ नहीं ठीक रहेगा, एजुकेशन ठीक नहीं रहेगा, तो विकास की बात करना बेईमानी है, एकदम सरासर बेईमानी है। अच्छा, आपने कहा कि नल जल गली की बात को छोड़ दीजिए, क्या लगता है ये तीनों काम आपके क्षेत्र में हुआ है क्या? नहीं नहीं, नली गली का काम तो मुखिया के स्तर से भी होता है, मुख्यमंत्री का फंड है, साथ निश्चय का योजना है, है, मैंने कुछ कामें हुई है, नली गली में रोड वोड ढलैया हुआ है, जिसमें लोगों को, जिन लोगों को ज़्यादा आमद है ना जिस चीज़ में, वो काम लोग अपना कर रहे हैं, जिस चीज़ में आमद कम है उस काम को ही लोग इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि नली गली की बात की जाए तो कुछ हद तक कामें हुई है, चूँकि मुखिया के अंडर में ये सारी कामें आती है, इसलिए काम हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना है, जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।